हिमाचल देश का वो पहला प्रदेश है जिसने 100% वैक्सीनेशन का काम पूरा कर दिया था। होती है चलती है वाला मामला नहीं, ठान लिया है तो करके रहना है। यहां बिजली पैदा होती है हाइड्रो से, फल सब्जी के लिए उपजाऊ जमीन है और रोजगार के अनंत अवसर देने वाला पर्यटन यहां पर है। इन अवसरों के सामने बेहतर कनेक्टिविटी का अभाव सबसे बड़ी रुकावट थी। 2014 के बाद से हिमाचल प्रदेश में बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर गांव गांव तक पहुंचाने का प्रयास हो रहा है। आज हिमाचल की सड़कों को चौड़ा करने का काम भी चारों तरफ चल रहा है। हिमाचल में इस समय कनेक्टिविटी के कामों पर लगभग 50,000 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। पिंजौर से नालागढ़ हाईवे के 4 लेन का काम जब पूरा हो जाएगा तब औद्योगिक क्षेत्र नालागढ़ और बद्दी को तो लाभ होगा ही। चंडीगढ़ और अंबाला से बिलासपुर मंडी और मनाली की तरफ जाने वाले यात्रियों की भी सुविधा बढ़ने वाली है। यही नहीं, हिमाचल के लोगों को घुमावदार रास्तों से मुक्ति दिलाने के लिए सुरंगों का जाल भी बिछाया जा रहा है। साथियों, डिजिटल कनेक्टिविटी को लेकर भी हिमाचल में अभूतपूर्व काम हुआ है। पिछले 8 वर्षों में मेड इन इंडिया मोबाइल फोन सस्ते भी हुए और गांव गांव में नेटवर्क भी पहुंचा है। बेहतर 4G कनेक्टिविटी के कारण हिमाचल प्रदेश डिजिटल लेनदेन भी बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। डिजिटल इंडिया का सबसे अधिक लाभ सबसे अधिक किसी को हो रहा है तो मेरे हिमाचल के भाइयों बहनों को हो रहा है, मेरे हिमाचल के नागरिकों को हो रहा है। वरना बिल भरने से लेकर बैंक से जुड़े काम हो, एडमिशन हो, एप्लीकेशन हो, ऐसे हर छोटे छोटे काम के लिए पहाड़ से नीचे उतर करके दफ्तरों में जाना एक एक दिन लगता था, कभी रात को रुकना पड़ता था। अब तो देश में पहली बार मेड इन इंडिया 5G सेवाएं भी शुरू हो चुकी है जिसका लाभ हिमाचल को भी बहुत जल्दी मिलने वाला है। भारत ने ड्रोन को लेकर जो नियम बनाए बदले हैं उसके बाद, और मैं हिमाचल को इसके लिए भी बधाई देता हूं, देश में सबसे पहला राज्य हिमाचल है जिसने राज्य की ड्रोन पॉलिसी बनाई है। अब ड्रोन से ट्रांसपोर्टेशन के लिए ड्रोन का इस्तेमाल बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है और इसलिए किन्नौर तक के हमारे अगर आलू भी है तो हम वहां से ड्रोन से उठा करके बड़ी मंडी में तुरंत ला सकते हैं। हमारे फल खराब हो जाते थे, ड्रोन से उठा करके ले आ सकते हैं। अनेक प्रकार के लाभ आने वाले दिनों में होने वाले हैं। इसी प्रकार का विकास जिससे हर नागरिक की सुविधा बढ़े, हर नागरिक समृद्धि से जुड़े, इसके लिए हम प्रयासरत हैं। यही विकसित भारत, विकसित हिमाचल प्रदेश के संकल्प को सिद्ध करेगा। मुझे खुशी है विजयादशमी के पावन पर्व पर विजयनाथ करने का अवसर मिला और मुझे रणसिंगा फूंक करके विजय का आगाज करने का अवसर मिला और आप सबके इतने आशीर्वाद के बीच करने का अवसर मिला। मैं फिर एक बार एम सहित सभी विकास परियोजनाओं के लिए आप लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। दोनों मुट्ठी बंद करके मेरे साथ बोलिए, भारत माता की। पूरी ताकत से आवाज चाहिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी, अनंत उपलब्धियों, असंख्य उपकारों के लिए हृदय तल से आभार अभिनंदन आपका। आइए हृदय तल से तालियों के साथ आभार करें।
हिमाचल वासियों की ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार, हजारों करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं के शिलान्यास व राष्ट्र को समर्पित करने के लिए। माननीय प्रधानमंत्री जी, अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरे के देव समागम में शामिल होने के लिए कुल्लू रवाना हो रहे हैं। वहाँ भी भगवान रघुनाथ जी की भव्य दिव्य रथ यात्रा के साक्षी बनेंगे। दोस्तों, आज बिलासपुर में खुशियों के इन पलों में हमारे साथ रहे सभी महानुभावों का हार्दिक